दोस्तों, एक किसान का काम कितना मुश्किल होता है, खासकर हिमालय के इन दुर्गम पहाड़ों में, जहाँ बर्फीले मौसम में साइकिल चला के मैं पहुँचा एक छोटे से गांव लोअर पिसांग के अंदर। यहाँ मुझे मिले नीमा भाई, जो सुबह सुबह उठ के कहीं जाने लगे तो मैं भी उनके साथ हो लिया। बर्फीले मौसम में उनके गांव का नजारा देखते हम पहुंचे उनकी मम्मी के घर पे, जहां नाश्ता तैयार हो रहा था। नाश्ता करते करते बर्फ पिघली तो खेत में हल जोतने की तैयारियां शुरू हो गईं। परिवार के पुरुष बैलों से खेत जोत रहे थे तो महिलाएं बोरियों में कुछ भर के ले आईं। अब बारी थी मिट्टी में खाद मिलाने की। उन बोरियों में थे पिछले साल के कटे हुए आलू, जिनको इस साल मिट्टी में दबा के नए आलूओं की पैदाइश की जाएगी। अब ये सुनहरा मौका मुझे भी मिला और मैंने भी अगले साल की फसल में कुछ हाथ बटा दिया। परिवार में सबने मिलजुल के काम किया और समय के चक्के को देखते ही देखते हमें ये आलू खाने को मिल गए।